हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो इस वीडियो तो आप अंत जरूर रहते, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है, आज हम इसके बारे में हम जानते हैं। अ सेंटेंस इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ लैंग्वेज दिस शो कंप्लीट सेंस। एक ऐसी प्राइमरी यूनिट जो लैंग्वेज तो शो करती है पूरे मतलब तेसन। एग्जाम्पल, द फार्मर आर प्लोइंग देयर फील्ड्स। फार्मर खेती कर रहा है अपनी उसमें। आई हैव ड्राउट दैट लॉट देयर लिव्ड अ लॉइन इन द फॉरेस्ट। यह इस फॉरेस्ट में लॉइन रहता है। वी शुड नो अबाउट द पाथ विच कंप्लीट आर सेंस। देयर आर टू पाथ ऑफ सेंस, दो पाथ होते हैं हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट के बारे में हम जानते हैं। इन सेंटेंस में से पहला, इफ यरी समवन आस्क्ड हु आर प्लोइंग देयर फील्ड, यहाँ इसकी बात हो रही है। तो अगर हम बोलते हैं कि हु आर प्लोइंग देयर फील्ड, यहाँ तो खेती तड़ा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, वी सेल द फार्मर, यहाँ फार्मर खेती तड़ा है। इन दिस वे वी आर से दैट द फार्मर आर द डोर ऑफ द वर्थ क्लाउड। द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच वॉट द सेंटेंस इज टोल्ड अबाउट इज टोल्ड सब्जेक्ट। जो हमारा आदिता पार्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो हमारा आदिता पार्ट होता है उसे हम सेंटेंस वो सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, द टीचर हैज टॉट द स्टूडेंट, तो द टीचर, यहाँ जो टीचर है वो हमारा सब्जेक्ट है। अब इन दिस सेंटेंस इट कैन बी आस्क्ड हु हैज टफ द स्टूडेंट, तो टफ करता है स्टूडेंट, तो द आंसर विल बी द टीचर, इसका आंसर है हमारा टीचर। द सेंटेंस अबाउट द वर्ड द टीचर, so the teacher is subject in this sentence। जो teacher है subject, वो इस sentence का subject है। अब the part of sentence that tells something about subject is told predicate। मतलब जो subject कहता है तो कहनाता पता है किस अंदर तत्ता है predicate। जैसे that old man, ये बुरा व्यक्ति है, इज माई ग्रैंडफादर। ये डेथ ओल्ड मैन, ये बुरा व्यक्ति, ये क्या है सब्जेक्ट है। और इज माई ग्रैंडफादर, ये हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट एंड वी यूज टू फॉर इन द फॉलोइंग टर्म्स। नाउन एस आर एस सब्जेक्ट, नाउन सब्जेक्ट है। जैसे द टीचर, ये द टीचर नाउन है। अब इनफाइनिटी टू वर्थ, अब दानन इज अ सब्जेक्ट, दानन भी एक सब्जेक्ट है जिसके पीछे ing जो जाए। अब दम्मी मीन्स देयर, देयर आर 50 स्टूडेंट इन माई क्लास, वॉट एन इज अ नोर एक्सरसाइज टू वर्थ इज वर्सिफ द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। अब ये जो लास्ट है ये सब हमारे पैडी देते हैं। अब जो जैसे थी इन द अबव सेंटेंस जो हमने देता, टीचर इज नाउन, टीचर नाउन है, टू वर्थ इन डिफेंड इन वॉट एन इज ग्राउंड एंड देयर इज दमी ए सब्जेक्ट। अब यहाँ ये फॉर्मूला है, आ सब्जेक्ट पाथ हैज डिटरमाइंस। अब सब्जेक्ट पाथ जानना है तो पहले उसका डिटरमाइंस प्लस एडजेक्टिव प्लस हेडवर्ड प्लस एडजेक्टिव प्लस। अब प्रेडिकेट जानना है तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब जैसे सब्जेक्ट ये है, प्रेडिकेट ये है। महेश इज अ डोर प्लेयर, My brother is a DJ. About there was a captain. It is a very hot day. Two air is humanly. ऐसे ये थोड़े और हैं, तो ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं और ये सारे हमारे प्रेडिकेट हैं। अब जैसे एक्सरसाइज है, underline the subject part in the following sentence. अब जैसे the train, तो the train सब्जेक्ट है और ये पीछे का सारा हमारा प्रेडिकेट है। अब दूसरा डेथ ब्लैक टेथ, दो ब्लैक टेथ जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, पीछे था पहले। अब जैसे दाम,
नाम सब्जेक्ट एंड दिस इज द पेडी डे अब देयर वॉज अब ये सारे मैं आप तो होमवर्क में देती हूँ, अब आप इसे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं इसके सारे आंसर। अब ये एक्सरसाइज 2 है, इसमें बोला है अंडरलाइन द पेडी डे पार्ट, पेडी डे पार्ट तो अंडरलाइन करें। अब जैसे दाजीव सब्जेक्ट है तो इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, ये पेडी डेट है। अब माई ब्रदर सब्जेक्ट है और हैज नॉट लेट, तो ये हमारा पेडी डेट। अब वी आर सॉट मूविंग फ्रॉम दिस सिटी, ये आपका होमवर्क है। अब जैसे स्विमिंग हमारा सब्जेक्ट है और इज दुर फॉर हेल्थ, ये पेडी डेट। ऑनेस्टी सब्जेक्ट इज द बेस्ट क्वालिटी, पेडी डेट। एंड इडल ब्रेन सब्जेक्ट इज अ डेविल वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब ऐसी और भी है, अब ये आप तो मैं होमवर्क में देती हूँ ये सब। अब एक्सरसाइज 3, डी अरेंज द वर्ड टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, इन सब तो हमें डी अरेंज करना है, इससे हम कंप्लीट सेंटेंस बना सकते, तो मैं तनने का प्रयास करती हूँ। अब जैसे हमारा पहले तो आया है, अब आई हैव 40 डोल्ड टॉइंस, यहाँ हम ले सकते हैं आई हैव 40 डोल्ड टॉइंस। अब वी लव मच तंत्री अवर, अब जैसे तीसरा वी मस्ट अवर लव तंत्री, वी मच लव अवर तंत्री, तो हम इसे यहाँ हम ले सकते हैं। अब दूसरा है हमारे पास यू विश द एलियर दे द सिटी, अब बहुत सारे दीपावली इज अ दीपावली फेस्टिवल इज अ दीपावली सीरीज ऑफ द, तो ये सब मैं आप तो होमवर्क में देती हूँ, आप इसे कमेंट में जरूर लेते। अब एक्सरसाइज 4, डी अरेंज द सब्जेक्ट पार्ट द हेल्प ऑफ वर्ब देवेन इन द ब्रैकेट्स, ये जो हमारे पास ये है इसे हम यहाँ दतना है सब्जेक्ट में। अब जैसे डल इज वेरी इंटेलिजेंट, तो डल यहाँ ले सकते हैं डल। अब आर फेडर, तो हम तुस्वी ले सकते हैं, तुस्वी नहीं जो हमारे सब्जेक्ट में हो यहाँ। अब जैसे कि लैरी इज अ फेमस डॉक्टर, तो हम यहाँ ले सकते हैं लैरी मीन्स महिला। अब जैसे वेयर नॉट प्राइटी, तो उसमें हो सकता है ये अच्छा नहीं है। अब दूसरा है हमारे पास, अब ये सब है वॉइस आर मेकिंग अ नॉइस, वॉइस आर मेकिंग अ नॉइस। अवर पेरेंट्स इज अवर ड्यूटी, पेरेंट्स इज अवर ड्यूटी, तो उसमें हो सकता है। तो ये सब आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब जैसे एक्सरसाइज 5 है, अब तपली अरे आप तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो का लाइक शेयर और कमेंट करते जरूर बताएं, और जो मेरा आप तो जो भी होमवर्क दिया है आप उसे आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।